नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहली बाइक के बारे में। जब मैं पहली बाइक बोलता हूँ तो ऐसे लगता है कि पहली पार्टनर, पहला प्यार, ऐसे कुछ। ऐसे कहना भी जायज़ है क्योंकि पहली बाइक लेते वक्त हम उतने ही इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं जितने कि पहले प्यार में, थोड़े कम या फिर थोड़े ज़्यादा। अगर आप भी ऐसे मोड पे हैं जहां आप आपकी पहली गाड़ी खरीदने वाले हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। आज आप अगर मार्केट में घूमने जाओ तो आए दिन आपको नई गाड़ियां देखने मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक गाड़ी आपके दिल को छू जाए, पर भीड़ में कोई ऐसा दिख ही जाता है जो दिल की तारे छेड़ जाए। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक मिडिल क्लास हो तो शायद आप भी सोचोगे कि पैसों से आपको खुशी तो मिलेगी ही, बट उससे भी एक स्टेप आगे जाके आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। पैसे सबसे पहला ऑब्स्टेकल। आपको एक बजट तय करना होता है जिसके दायरे में रहकर आपको बाइक खरीदनी पड़ती है। ध्यान रखिएगा, पैसों से बस गाड़ी नहीं खरीदनी है, उसकी बेसिक एक्सेसरीज जैसे लेग गार्ड, इंजन गार्ड, उसका इंश्योरेंस और भी सारी चीज़ें होती है। इन सब के अलावा आपके राइडिंग गियर्स जैसे अच्छा हेलमेट, ग्लव्स, शूज, ये भी महत्वपूर्ण एक्सेसरीज है क्योंकि जान है तो जहां है। आपने बजट का सोच लिया, फिर आपको देखना है आपका यूज। आप बाइक क्यों ले रहे हैं? ऑफिस के लिए, किसी काम के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो भी कहाँ, रोड पे या ऑफ रोड पे? इस हिसाब से बाइक की कैटेगरीज आपको देखनी है। स्पोर्ट्स बाइक्स, कम्यूटर बाइक्स, क्रूजर बाइक्स या फिर एडवेंचर बाइक्स। अब जबकि हम पहली बाइक के बारे में बात कर रहे हैं तो सारे अच्छे राइडर्स का मानना है कि आपकी पहली बाइक थोड़ी कम पावरफुल, लाइट वेट और मैनेजेबल हो, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। जैसे जैसे आप सीखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप किसी बड़ी बाइक के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि तब तक आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। डोंट बी इन अ हरी, इसका मतलब है जल्दबाजी ना करें। कभी कभी आपको बस किसी गाड़ी का लुक अच्छा लगता है इसलिए वो गाड़ी जल्दबाजी में खरीद ले, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्या पता आगे जाकर आपको लगे कि आप इस गाड़ी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो हमेशा गाड़ी पहले चला के देखें। शोरूम्स में टेस्ट राइड्स की सुविधाएं होती है, अपने करीबियों से, सेलर से सलाह ज़रूर लें, रिव्यूज पढ़े तभी गाड़ी खरीदे। डोंट स्ट्रेच योर बजट अननेसेसरीली, सीमा से बाहर आपका बजट स्ट्रेच ना करें। गाड़ी के साथ साथ आपको उसकी सर्विस, उसकी एक्सेसरीज, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें भी देखनी है, और उसमें फ्यूल भी तो भरवाना है, पेट्रोल, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। बचा हुआ पैसा आप आपकी सेफ्टी को बेहतर बनाने में डाल सकते हैं, जैसे कि बेहतर इंश्योरेंस, बेहतर हेलमेट। उम्मीद है कि ये सारी बातें सुनकर आप आपके लिए एक बेहतर गाड़ी चुन पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राइड सेफ और सुनते रहे दी राइडर्स पॉडकास्ट।